गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 16। चैप्टर नेम इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आप हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सिंपल प्रेजेंट टेंस रिप्रेजेंट्स द ऑल टाइम्स। सामान्य वर्तमान काल सभी समय का प्रतिनिधित्व करता है। इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन और कंडीशन टेकिंग प्लेस एट कॉमन और रेगुलर टाइम। यह सामान्य या नियमित समय पर होने वाली जो क्रिया है या स्थिति है उसका प्रतिनिधित्व करता है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज तब करते हैं जब कोई एक्शन हैपनिंग राइट नाउ मीन्स अभी हो रहा हो या नियमित रूप से प्रेजेंट में हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एट दिस टाइम आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्ज़ाम्पल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन जो वाक्य हैं, ये सेंटेंसेस हैं, इनकी जो हिंदी ट्रांसलेट होता है उसके लास्ट में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं, जिसको मैं आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस रीड करूँगी और समझाऊँगी। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको हम रीड करेंगे। फर्स्ट, आई स्टडी इन द स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सेकंड, वी ब्रश एवरी डे, हम प्रतिदिन ब्रश करते हैं। थर्ड, माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। फोर्थ, मदर कुक्स द फूड इन द किचन, माताजी रसोई में खाना पकाती हैं। तो ये सेंटेंसेस हैं जो इनके मैंने इंग्लिश टू हिंदी किया, हिंदी में जब ट्रांसलेट किया तो इनकी जो लास्ट में ता, ती, ते शब्द आ रहे हैं मीन्स जो कार्य है वो हो रहा है एट प्रेजेंट टाइम में। कुछ रूल्स हैं इसके। वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ई एस विद सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स ही, शी, इट एंड कोई भी नेम हो, द बॉय, द काओ या सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम एस या ई एस को ऐड करते हैं। वर्ब आप लोग पहले पिछले जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ ही चुके होंगे। वर्ब मीन्स कोई भी क्रिया। यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं आप देखिए, माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, यहाँ पर फादर क्या कर रहे हैं, क्या वर्ब क्या है यहाँ पर, यहाँ पर है रीड। तो फादर सिंगुलर नंबर है, इसमें हमने एस को ऐड किया वर्ब में। सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में हम एस या ई एस को ऐड करेंगे। माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। एक एग्जांपल और देखेंगे, मदर कुक्स द फूड इन द किचन, माताजी रसोई में खाना पकाती हैं। यहाँ पर मदर भी सिंगुलर नंबर है, इसके साथ जो वर्ब है कुक उसमें हमने एस को ऐड किया है। तो सिंगुलर नंबर्स के साथ ही, शी, इट एंड कोई भी नेम हो, द बॉय, द काओ, इसके साथ हम वर्ब जो भी है उसके साथ में एस या ई एस को ऐड करते हैं। सेकंड, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एंड प्लूरल नंबर, हम जो प्लूरल नंबर्स हैं आई, यू, दे एंड द बॉयज, द काउस और प्लूरल नंबर, इसके जो वर्ब होती है उसमें हम एस या ई एस को ऐड नहीं करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, वी ब्रश एवरी डे, यहाँ पर जो वर्ब है ब्रश इसमें हमने एस या ई एस को ऐड नहीं किया है क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। फर्स्ट, आई स्टडी इन द स्कूल, आई यहाँ पर इसके साथ भी हम जो वर्ब है स्टडी इसके साथ भी हम एस या ई एस को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आई के साथ भी एस या ई एस का यूज़ वर्ब में नहीं किया जाता है। Now I will explain the exercise of this chapter. A, circle the appropriate verbs. यहाँ पर sentences दिए गए हैं उसमें जो suitable verb है, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि singular numbers, he, she, it and कोई भी name हो उसके साथ में हम verb में s या es को add करते हैं। I, you, they and the boys, the cows, plural number जो भी हो उसके साथ में verb में s या es को add नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो सुटेबल वर्ब है उसको आपको टिक करना है। फर्स्ट है, शी रीड रीड्स हर बुक, शी यहाँ पर सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर वर्ब है रीड, तो रीड के में हम एस को ऐड करेंगे तो ये राइट वर्ड है हमारा रीड्स, सो टिक हियर। सेकंड, आई बाथ बाथ्स एवरी डे,
यहाँ पर राइट वर्ड है बात, सो टिकी। थर्ड, द चाइल्ड प्लेज प्ले विद बैलेंस। यहाँ द चाइल्ड सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर प्लेज और प्ले वर्ब्स है, सुटेबल है यहाँ पर प्लेज। फोर्थ, द टीचर टीचेज अस। टीचर भी सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में हम एस को या ई एस को ऐड करेंगे, तो राइट वर्ड है हमारा टीचेज। फिफ्थ, दे गोज टू टेम्पल। दे गो टू टेम्पल क्योंकि दे प्लूरल वर्ड है। बी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ब्स। यहाँ पर वर्ब्स दी गई हैं आपको, अप्रोप्रिएट वर्ब्स आपको सिंगुलर नंबर में ऐसे ही एस को ऐड करना है, जो प्लूरल नंबर है उसके साथ में आपको वर्ड को वैसे ही लिखना है। फर्स्ट, रामा राइट्स एन एसे। सेकंड, मिस्टर भाटिया लाइक्स टू ईट स्पाइसी फूड। थर्ड, अनिकेत गेट्स गुड मार्क्स। फोर्थ, दे वॉश देयर क्लॉथ्स। फाइव, यू स्पीक द ट्रुथ। सिक्स, शी वेयर्स रेड ड्रेस। सेवन, डॉग्स बार्क। एट, माई टीचर टेल्स अस फनी स्टोरी। नाइन्थ, वी लिसन टू आवर एल्डर्स। टेन, द चिल्ड्रंस लाइक टू सी कार्टून्स। नाउ सी, राइट फाइव लाइन्स यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। या आपको कोई भी फाइव लाइन्स लिखनी है, यूज़ करना है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो मैंने कुछ राइट की है। फर्स्ट, आई लव आइसक्रीम। सेकेंड, बर्ड फ्लाई इन द स्काई। थर्ड, रूही लाइक्स वेजिटेबल सूप। फोर्थ, मैंगोज टेस्ट स्वीट। फाइव, माई मदर्स ड्रिंक्स टी। ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके फाइव लाइन्स लिख सकते हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। कीप प्रैक्टिस ऑफ ऑल एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस इट। थैंक यू।